hello dear students of class 12th of cbse we have started with this unit electrostatics the first unit of class 12th physics cbse we have started with coulomb's law and in the previous video we have discussed about electric charge additive nature of electric charge quantization of charge this numerical then this numerical conservation of charge properties of electric charge and then we have discussed about coulomb's law in electrostatics the statement of the law and the derivation of the formula of this coulomb's law so we have finally got this formula we have discussed this formula and based on this formula we have discussed one numerical in the previous video itself also we had discussed the definition of one coulomb of charge okay so now today we will proceed with more numericals based on coulomb's law itself and this is the second lecture uh, of this Unit electrostatics. All right. So let us continue with this topic. Welcome to today's class, everyone, children. And get yourself ready with your notebook, pen, and take down this question. So we are going to start today's video with this particular question. If you have not watched the previous lecture, the link of the previous lecture is given in the description box of this video. You can definitely watch it. You should definitely watch it before proceeding with this lecture. A proton and an electron are placed 1.6 centimeters apart in free space. So it has been said that two charges are proton. Basically, this is a charge. Okay. A proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Positive. Plus, achha, electron is the same. नेगेटिव नेचर हाँ, का बट वी आर ओनली बॉर्ड अबाउट मैग्नीट्यूड्स अगर ध्यान से देखो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कुलम्स लॉ का इसमें टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रेपेल इच अदर विदोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस मतलब हमें चार्ज का नेचर से कोई मतलब नहीं है ये जो Q1 और ये जो Q2 है ना ये पॉजिटिव है या, या नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है इससे हमें फॉर्मूला का फॉर्मूला में हमें कोई मतलब नहीं है इससे ओके यस पॉजिटिव नेगेटिव से भले इस फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा इज इट वो डिफरेंट हो जाएगा अगर रिपेल कर रहा है तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल मैटर बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिस फोर्स का मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इसलिए यहां लिखा हुआ है विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ठीक है तो हमें ये जो न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे इसमें प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड से मतलब है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड से मतलब है नेचर से में मतलब नहीं हमें निकालना क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है ओके okay, अगर डायरेक्शन भी हमें आ, निकालना होता तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों अट्रैक्टिव नेचर नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव दोनों एक दूसरे को अपने अपने पास खींच रहा है दिस इज द डायरेक्शन ओके हमें निकालना क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स नेचर ऑफ दया फोर्सिवर्स है कि दैट इज एट्रैक्टिव इन नेचर अब हमें सबसे पहले तो निकालना है मैग्निट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या दिया हुआ है ना दे आर प्लेस्ड वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस कुछ नहीं है हलवाए तो हमारा जो फॉर्मूला है एफ फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस ओके, वो हम लिखते हैं वन बाई फोर पाई एपसाइलन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वही फॉर्मूला हमने इसको ऑलरेडी डिराइव कर लिया है ये फोर्स हमें निकालना है बेसिकली द फोर्स विच इज बात कर रहे हैं फ्री स्पेस को हम वैक्यूम बोल सकते हैं अच्छा यहाँ एयर भी रहता तो भी हम यही फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ देखो नीचे ये हमने कर लिया है ये वाला फॉर्मूला ओके सो फॉर्मूला क्या है नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इंटू क्यू वन टू अपन आर स्क वैल्यू ये जो वन बाई फोर नॉट है इसका वैल्यू है ये भी हमने डिराइव किया था और Q1 के जगह हम लिखेंगे द चार्ज ऑन द प्रोटॉन व्हिच इज 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 मैग्नीट्यूड ओनली इनटू Q2 Q2 का भी मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द नेचर ऑफ द चार्ज r स्क्वायर अब ध्यान से देखो r जो है वो सेंटीमीटर्स में है लेकिन हमें ये सारी चीजें ऐसा यूनिट में पुट करनी है तभी ना हमारा फोर्स भी न्यूटन में आएगा ऐसा यूनिट में आएगा

सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो दो बार सेंटीमीटर है ना बिकॉज़ दिस इज 1.6 1.6 इसे दो बार 100 से डिवाइड करेंगे मतलब हम ऊपर में दो बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड करना मतलब वो फिर न्यूमरेटर बन जाएगा ना सिंपल मैथ्स आर यू गेटिंग इट इसको सॉल्व करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपल सी बात है देखो यहां 1.6 ऊपर में दो बार बारिक्स है और, नीचे में भी दो बार और कुछ नहीं है पावर माइनस ट्वेंटी फाइव ये जब नाइन ये माइनस नाइनटीन ये माइनस नाइनटीन और यहाँ पर टेन टू पावर टू एंड टेन टू पावर टू ये सब मिलके हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव एंड दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स ये हो गया हमारा फोर्स व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर क्योंकि एक प्रोटॉन है दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है चार्जेस दोनों का ऑपोजिट है इसलिए दे विल अट्रैक्ट इच अदर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन एयर एंड सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ टू मीटर रेपेल इच अदर अच्छा यहां पर रेपेलर है मतलब की दोनों ने हमें पता चल गया क्योंकि इसे तभी रेपेल करेगा अगर दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो देर ओके विदोर्स ऑफ टेन टू दाइनस फोर के जी एफ ये यूनिट न्यूटन में नहीं है हमें न्यूटन में लाना है ठीक है तभी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं एफ वैक्यूम मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। और पिछले लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है पावर नाइन ये हम तभी यूज करेंगे जब हमारा मीडियम जिस मीडियम में हम फोर्स को निकाल रहे हैं जिस मीडियम में हमारे चार्जेस है वो वैक्यूम हो या एयर हो या फ्री स्पेस हो अनाथ कंडीशन इज दैट

ठीक है जी से मल्टीप्लाई करना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है जी का वैल्यू तो हम नाइन लेंगे the G 10, 10. Given, में थे तो कई बार नाइन पॉइंट uh, कर लेते थे लेकिन अभी इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में तुम्हें क्लासेस में तुम्हें नाइन पॉइंट एट यूज करना है ओके okay. तो इसे हम ही में कन्वर्ट कर लेंगे तो चलो इसको सॉल्व करते हैं ओके, सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस गिवन इज टेन टू पावर माइनस फोर के जी एफ कन्वर्ट इट टू न्यूटन फर्स्ट ऑफ ऑल टेन टू पावर माइनस फोर इन टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन ठीक है इसके बाद आर द डिस्टेंस द टू चार्जेस इट इज गिवेन बोथ ऑफ द्स क्यू वन एंड क्यू टू They are equal. It is said in the question, so their magnitudes are equals and let us call it by Q. Q1 and Q2 same, Q one and Q two same, so we Q. Now we will put this formula. Ko f is equal to one by four pi epsilon naught Q one Q two upon R square. Now in place of Q one and Q two we will write Q into Q because Q one is also Q. Q two is also Q upon R square. Now values put. Karte. f F k value ten to the power minus four into nine point eight is 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 equal to 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 the the power power epsilon value q q q q square q q square square and r 2 तो 2 square, which is 4, basically okay सिंपल सा इक्वेशन आ गया हमारे पास जिसमें एक ही वेरिएबल है विच इज क्यू और इसको हम आराम से सोल्व कर सकते तो we प्रोसीड क्यू स्क्वाज इक्वल टू ये हमारा फोर हो गया इस फोर को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो okay, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना टू स्क्वाच इज फोर तो फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर इंटू नाइन पॉइंट एट और नीचे हमारा ये नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन आ गया ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा किस क्यू को निकालूंगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा दिस विल निकालूंगो नाइन टू पहले इस अंदर को सॉल्व करना अंदर वाले का वैल्यू और फिर इसका स्क्वायर रूट में निकालना है स्क्वायर रूट लॉन्ग डिविजन मेथड से निकाल सकते हो एंड आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू गेट विल गेट सिक्स इंटू टेन टू द पावर सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस जो हमें निकालना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आईदर ऑफ द चार्जेस तो हमारा ये निकल गया कि दोनों में से किसी एक चार्ज का यह वैल्यू है क्योंकि दोनों चार्जेस तो इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो दोनों का मैग्निट्यूड यही यही वाला है ओके सो आइदर वन इज दिस The other one is also having the same magnitude. Now, let us proceed with the next question. The electrostatic force of repulsion between two equal positively charged ions is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. So, this is the force. This is the force of repulsion between two equal okay here also we have been given like in the previous question both of the charges are equally charged equal and they both of them are positively charged so obviously they will repel each other what is the force with which they are repelling each other this is the force and the unit of the force is given in newton very good means in si unit when they are separated by a distance of 5 angstrom

हम um, n e निकाल सकते तो uh, n का वैल्यू निकाल सकते ऑल राइट सो व्हाट आर द दिंग्स गिवेन द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन न्यूटन ये दिया हुआ है ओके एंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम आर इज फाइव एंगस्ट्रॉम तो उसको फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन हमने कन्वर्ट कर लिया ठीक है नाउ कुल्स लॉ लगाते हैं एफ इज इक्वल टू अच्छा यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आ, कि ये कौन से मीडियम में अगर नहीं दिया हुआ है तो वी विल अज्यूम इट इज आवर एजाम्शन दैट ये एजाम्पन हमें करना है कि द मीडियम इज एयर या फिर फ्री स्पेस ओके अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम करेंगे ठीक है कि एयर में है या फिर फ्री स्पेस में रखा हुआ है यानी वैक्यूम में रखा हुआ है फॉर्मूला वही है वन बाई फोर पाई एफ नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर नाउ एफ इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन इसका वैल्यू नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन है एफ का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है तो यहां पर पुट कर लेते हैं एफ का वैल्यू थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन अच्छा क्यू वन क्यू टू अपन आर जगह हम सिर्फ क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं बिकॉज

इंटू टेन टू द दावर माइनस ट्वेंटी हो गया ओके okay? इसको मैंने सॉल्व कर दिया क्लियर अब हम क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द दावर माइनस नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द दावर माइनस ट्वेंटी वी आर टेकिंग दिस ऑन दैट साइड डिवाइडेड बाई नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन दिस इज क्यू स्क् तो Q का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द एंटायर थिंग 3.7 पॉइंट सेवन इंटू थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन इंटू ट्वेंटी पावर माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन इसमें हम सॉल्व करेंगे तो जिन वैल्यूज का हम स्क्वायर uh, निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट तो पहले उनको निकाल लो जैसे ट्वेंटी फाइव रूट के बाहर आके फाइव हो गया और ये टेन टू द दावर माइनस ट्वेंटी और हमारा नीचे में भी ये नाइन है नाइन का स्क्वायर रूट थ्री नीचे ये निकल गया तो रूट के अंदर अब क्या बचा हुआ है थ्री पॉइंट सेवन बचा हुआ है इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन बचा हुआ है और नीचे हमारा सिर्फ टेन टू द पावर नाइन बचा हुआ तो मतलब अब मुझे सिर्फ इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है क्यू इक्वल तू फाइव इनटू टेन तू द पाव माइनस टेन डिवाइडेड बाय थ्री और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन इनटू टेन तू द पाव माइनस नाइन माइनस नाइन ओके नीचे का ये जो नाइन है ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो टेन तू द पाव माइनस नाइन माइनस नाइन तो हमारा क्या आ ग थ्री पॉइंट सेवन टेन टू पावर माइनस हो गया तो फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टेन इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन ये बाहर आ गया रूट रूट के।, के अंदर सिर्फ हमारा थ्री पॉइंट सेवन बचा हुआ है, है ना अब थ्री पॉइंट सेवन का स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिविजन मेथड से करेंगे 3.7 का स्क्वायर रूट अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें तो हमारा आता है 1.923 तो 1.923 हमने तीन डेसिमल प्लेस तक निकाला वैसे तो ये और आगे जाएगा तीन डेसिमल प्लेस तक निकाला तो 1.923 आ गया डिवाइडेड बाय थ्री अब हमारा स्क्वायर रूट का झमेला खत्म हुआ और हमारे पास अब सिर्फ इस तरह के एक्सप्रेशन आ गया है इसको सॉल्व करते हैं 5 वन पॉइंट नाइन टू थ्री करेंगे सबसे पहले जो कि हमारा आ गया नाइन पॉइंट इन टू अब देखो टेन टू दावर माइनस टेन प्लस टेन टू दावर माइनस नाइन इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टेन टू दावर माइनस नाइनटीन और नीचे हमारा एक थ्री है तो इसको हम डिवाइड बाई थ्री करेंगे 9.615 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.205 पॉइंट टू जीरो फाइव आएगा इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन दिस इज क्यू हमें क्यू का वैल्यू नहीं निकालना हमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच दिस ऑब्जेक्ट इज लैकिंग जिसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है वो निकाल तो so Q इज इक्वल टू एन ई हम जानते हैं ओके कैलकुलेशन थोड़े लेंदी होता है ओके बट

ये टू इलेक्ट्रॉन्स, एन इज आवर टू इट इज अ अटर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, एन इज टू ठीक है तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया आई होप हाउ डुट वी सॉल्व इट समझ में आया ये बोर्ड का क्वेश्चन है एंड ये पी एस एस सी टू थाउजेंड फोर इस एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया है आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर हाउ डिट बी सोल्व इट पहले हमने क्यू निकाला फिर क्यू इक्वल्स टू एन से हमने एन निकाल लिया मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल ऑफ चार्ज माइक्रोकुलम ड्यू टू अनादर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज माइनस एट माइनस जीरो पॉइंट एट माइक्रोकुलम इन एयर यहां मीडियम दिया हुआ एयर अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम अज्यूम कर लेते एयर इज जीरो पॉइंट

जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स क्या है चिल्ड्रन दिया माइनस जीरो पॉइंट एट इन टेन टू दावर माइनस सिक्स टू दावर माइनस सिक्स हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ जीरो okay now think what is it what this force is this is the force likha hua hai this is the electrostatic force on a small sphere of charge this due to another small sphere of charge this yani aisa bol sakte hain ki this is the force on charge first charge due to the second charge हम अगर इस small sphere को पहले वाले sphere को हम first sphere माने second वाले sphere को हम second sphere माने तो वही दिया हुआ है द द द द फोर्स फोर्स ऑन ऑन फर्स्ट फर्स्ट इसलिए लिखा ड्यू टू ये नोटेशन को मैंने एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने कुलम्स पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्स अप्लाइड ऑन द फर्स्ट स्पीय ड्यू टू द सेकेंड स्पीय को ऐसे लिखेंगे एंड फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकंडर ड्यू टू द फर्स्ट फेयर को टू वन लिखेंगे जो कि हमें पार्ट बी में निकालना है फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीय ड्यू टू द फर्स्ट अच्छा और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में फोर्स ऑन द फर्स्ट देखो लिखा हुआ है sphere, Means, sphere, ये दिया तो ये वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.2 न्यूटन ओके okay. एक चीज मैं तुम्हें याद दिला दू ये जब मैंने कूलॉम्स लॉ प्रीवियस वीडियो में बताया था हियर व्हाट डिड आई टेल यू कि बेसिकली द फोर्स व्हिच is is exerted exerted on on q2 q2. due due to to q1 q1 exactly having the the same magnitude as of the force exerted on q1 due to q2. Okay, F F12 F21 लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का, फोर्स का सेम होता है We can call it with the same symbol. तो यहां पर भी हमें सिंपल वही कॉन्सेप्ट को चेक किया गया है कि बच्चे को पता तो है ये कॉन्सेप्ट इनफैक्ट वो एफ टू वन भी होगा द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीय ड्यू टू द फर्स्ट वील है सेम मैग्ट्यूड मतलब ये भी 0.2 न्यूटन ही होगा तो बिना फर्स्ट पार्ट को सोल्व किए हुए मतलब बिना पार्ट ए को सोल्व किए हुए हम पार्ट बी का आंसर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्पेयर के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है सेकेंड स्पेयर के वजह से सेकेंड स्पेयर के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगेगा फर्स्ट स्पेयर के वजह से फोर्स ऑन द सेकेंड स्वीयर ड्यू टू द फर्स्ट फीयर एग्जैक्टलीम अमाउंट ऑफ फोर्स एज द फोर्स ऑन द फर्स्ट स्पियर ड्यू टू द सेकेंड ओके आंसर भी 0.2 न्यूटन ही होगा हालांकि उसको हम लोग लिखेंगे बाद में लिखेंगे ठीक है तो पहले तो हम जैसे सॉल्व करते हैं डिस्टेंस को निकालते हैं ओके okay, so है. तो ये गिवन है नाउ तो एफ वन टू इज वन बाई फोर पाई साइल नॉट वैल्यू दिया हुआ है, 1 by 4 by बहुत सारे बहुत लेंदी एंड बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं तुम्हें तो घबराना नहीं है सर इतना सारा एक्सपोनेंट पावर का कैलकुलेन्स घबराना नहीं है देखो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को हमने मैंने एक्चुअली सोल्व किया इनफैक्ट unlike the other numericals where i generally don't solve in the video to avoid you know uh, wastage of time lekin yahan par maine solve karke dikhaya ki kis tarah se humne itna bada calculation ko solve kiya to तो q2 is dekho q2 mein hame sirf magnitude se matlab hai coulomb's law mein already it says that it is a product of the magnitudes of the two charges so is minus sign se hame koi matlab nahi 0.8 into 10 to the power minus 6 okay divided by r square r kitna hai

ये सारे कैलकुलेशन बहुत ईजी सॉल्व हो जाएंगे तो आर इज स्क्ट फोर इन दावर टू दावर माइनस सिक्स डिवाइडेड है? जीरो तो नहीं है इसमें इजी है इसको हम लोग काट लेते हैं ओके ये डेसिमल उड़ गया इसका डेसिमल उड़ गया टू फोर्जा एट तो ये फोर हो गया तो हमारे पास अभी बच क्या रहा है ऊपर में एक फोर है यहाँ पर एक नाइन है तो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थ्री हमने थ्री निकाल, निकाल लिया अब अंदर में क्या बच रहा है अंदर में बच रहा है पावर नाइन इंटू जीरो पॉइंट फोर अंदर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर इंटू टेन टू द पॉवर माइनस सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स ये स्क्वायर रूट के अंदर ये फोर का स्क्वायर रूट तो निकल गया ना टू और इस नाइन का स्क्वायर रूट भी निकल गया थ्री ठीक है कुछ नहीं है तो ये हो गया हमारा टू मैं बोल रहा हूं कि सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन मैं तो कर रहा हूँ अच्छा यहां पर जीरो पॉइंट फोर को हम लिख सकते हैं फोर बाई टेन ओके इन टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स एंड द पावर माइनस सिक्स ये बन जाएगा टू द पावर माइनस ट्वेल्व ओके अब हम क्या करेंगे इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं हो जाएगा, इसका 10 to the power minus 12 का रूट। और एक काम हम करेंगे कि यहां पर एक और अब देखो बड़ा इजी हो गया ये सिक्स तो ऑलरेडी बाहर है टेन टू पावर एट का स्क्वायर रूट टेन टू द पावर फोर रूट के बाहर निकल गया टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर रूट टेन टू पावर माइनस सिक्स रूट के बाहर निकल गया और यहां पर ये फोर बचा हुआ है फोर का स्क्वायर रूट बाहर निकल गया टू हो गया सिक्स टू आर ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर माइनस टू ओके एंड फर्दर वी कैन राइट इट एज वन पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस वन सो दिस मेनी मीटर्स इज द वैल्यू ऑफ आर पार्ट बी में हमें ये पार्ट पार ए का हमारा निकल गया ठीक है दिस इज अवर पार्ट ए पार्ट बी में हमें निकालना है द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट तो वैल्यू तो सेम होगा फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द फर्स्ट स्पेयर ड्यू टू द सेकेंड Which is equal to भी चेंज नहीं होगा. अच्छा, दोनों का देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है चार्जेसिट है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये जो फोर्स है, है जो नेचर होगा वो होगा अट्रैक्टिव ब्रैकेट में मैं लिख दिया अट्रैक्टिव जीरो पॉइंट टू न्यूटन अट्रैक्टिव ठीक है बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एंड किस तरह से हम कैलकुलेशन पार्ट uh, को कर रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ ठीक है सिंपल है ना अब तो डर नहीं लग रहा है ना एक्सपोनेंट्स का कैलकुलेशंस को देखकर बहुत इजीली बन रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अ फ्री विद बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 10 टू द पावर -8 कूलंब तो एक फ्री का मतलब है कि इसको मैंने कहीं बांध नहीं रखा है इट इज फ्री टू मूव एनी नीचे भी गिर सकता है ऊपर भी जा ठीक है दिस फ्री बॉल ओके इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इस पर एक चार्ज है कितना फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस एट इसको क्यू वन मान लेते इस बॉल का जो कि फ्री टू मूव है ये एट ग्राम्स मास का है और इसमें चार्ज कितना है फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस एट गुलाम यह दिया हुआ है वॉट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्निट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड बॉल फॉर्मर बॉल अच्छा एक दूसरा पिथबॉल और उस चार्ज का भी क्या होना चाहिए वर्टिकली तो बिलो रखा हुआ है ओके ये ये हो गया हमारा फर्स्ट पिथबॉल जिसको फॉर्मर पिथबॉल बोला जा रहा है इस पिथबॉल के वर्टिकली नीचे एक दूसरा पिथबॉल है ठीक है और वो कितने डिस्टेंस पर है वो भी बोल दिया है फाइव सेंटीमीटर नीचे यानी डिस्टेंस हो गया ये आर है बेसिकली तो इसका चार्ज कितना होना चाहिए क्या लिखा हुआ है सो दैट द अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी यानी ये अपर ऊपर वाला पिथ बॉल है जिसका मास है एट ग्राम वो स्टेशनरी वो नीचे ना गिरे तो मतलब कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे वो नीचे ना गिरे तो एक चीज तो समझो कि ये जो बॉल है ऊपर वाला बॉल है ये बॉल नीचे गिरना चाह रहा है क्योंकि इसका मास है तो मास की वजह से इसका नीचे की तरफ बॉडी वेट ऑफ दिथ बॉल तो ये जो फोर्स जो नीचे की तरफ खींच रहा है वो एम जी है, है ना वेट एम जी जिसमें एम का वैल्यू एट है एट ग्राम्स एंड जी का वैल्यू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ठीक है सिंपल है अच्छा इसी फोर्स को जरूर बैलेंस किया गया है एक दूसरा फोर्स इस Q2 ने लगाया है Q2 means the second pit ball का चार्ज इस बॉडी को नीचे गिरने से रोक रहा है सेकेंड बॉल इज स्टॉपिंग द फर्स्ट बॉल टू फॉल डाउन तभी ना ये फर्स्ट बॉल स्टेशनरी रहेगा तो ये जो फोर्स है ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए फर्स्ट बॉल को नीचे गिरने से रोक रहा है सेकेंड बॉल यानी सेकेंड बॉल फर्स्ट पिथ बॉल को ऊपर की तरफ पुल पुश कर रहा है तो ये एम जो नीचे की तरफ है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है तो ये रिपल करना चाहिए द Q2 टू एंड क्यू वन शुड बी ऑफ द सेम नेचर इट मीन्स तभी ना रिपल करेगा अगर Q2 और Q1 वन ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं चार्ज बॉडी पिथ बॉल्स होते हैं तो फिर तो इसको अट्रैक्ट कर लेता ना द सेकेंड पिथबॉल फर्स्ट पिथ बॉल स्टेशनरी में तो होता नहीं एक तो ये वेट भी इसको नीचे खींच खींच लेगा और अट्रैक्शन की वजह से भी ये नीचे गिर जाएगा तो उसको तो स्टेशनरी रखना है फर्स्ट बॉल ओके एंड दैट रिपल्सिव फोर्स शुड बी ऊपर की तरफ होना चाहिए डायरेक्शन एंड इट इज बेसिकली वी कैन कैलकुलेट इट यूजिंग द कुलम्स लॉ तो ये बॉल चलो फर्स्ट पिथबॉल को हम अगर पिथबॉल ए बोलते हैं सेकेंड पिथबॉल को हम पिथबॉल बी बोलते हैं तो हम इस फोर्स को बोल सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंसड पिथ पिथबॉल ए ड्यू टू पिथबॉल बी ओके हमें ये क्यू टू निकालना है एक बात तो हमें अब समझ में आ गई कि ये दोनों फोर्सेस एफ ए बी एंड ये एमजी दोनों इक्वल होना चाहिए देन ओनली द फर्स्ट पिथबॉल विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नो डाउट तो एफ ए बी

तो के जी में कन्वर्ट करेंगे 8 10 3. ठीक है हमने इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दिया कुछ नहीं है इंटू जी जी का वैल्यू नाइन पॉइंट पर सेकंड स्क्वायर लेंगे ध्यान देना G को हमने ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया ये करना भी पड़ेगा सारी चीजों को ऐसा ही यूनिट ओके अच्छा अब इधर भी हम वैल्यूज को पुट करते हैं इसका वैल्यू तो हमें पता है वन बाई फोर पाइप नॉट का नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन Q1 का वैल्यू हमें पता है 5 into 10 to the power minus एट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में Q2 का वैल्यू हमें नहीं पता वो हमें निकालना है लेकिन इतना जरूर पता है मैग्नीट्यूड तो हमें नहीं पता वो हम निकाल रहे हैं r का वैल्यू हमें पता है 0.05 मीटर्स मतलब इन दोनों चार्जेस या दोनों पिथ बॉल के बीच का डिस्टेंस 0.05 होल स्क्वायर ज इक्वल टू एट इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इंटू नाइन अब हम क्या करेंगे Q2 टू इज इक्वल टू एट इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री और इस टर्म को हम उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू देखो जीरो पॉइंट जीरो स्क्वायर विल गिव यू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव है ना इसको स्क्वायर करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव आएगा तो उसको हम यहां पे भेज रहे हैं चार डेसिमल प्लेसेस आ ओके okay? क्योंकि पर दो डेसिमल प्लेस फिर से हमने से से किया फिर दो डेसिमल प्लेस रिजल्ट चार डेसिमल प्लेसेस होगा ठीक है अब नीचे हमारा ये टर्म आ जाएगा नाइन इंटू टेन टू द इंटू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस वैल्यू को हम एज टेन टू पावर साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करते हैं Okay, लिख सकते हैं ना हुआ एक दो तीन चार माइनस फोर हो गया सिंपल है डिवाइडेड बाय नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इंटू फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस एट इसको यहाँ काट लो अब हम बेसिकली क्या करेंगे सबसे पहले हम इस टेन टू द पावर जो वैल्यूज है ना टेन टू दावर माइनस थ्री टेन टू दावर माइनस फोर टेन टू द पावर नाइन एंड टेन टू द पावर दिन इनको एक साथ हम एक्सप्रेस करेंगे मतलब टेन टू द पावर समथिंग और अब हम क्या करेंगे ये जो एट है नाइन पॉइंट एट है ये जो फाइव है और नीचे हमारा नाइन है इनको एक साथ लिख दिया और टेन टू द पावर समथिंग को हम एक साथ लिखेंगे जैसे टेन टू दावर माइनस थ्री है माइनस थ्री और ये माइनस फोर और नीचे हमारा नाइन है तो ये माइनस नाइन हो जाएगा और ये नीचे हमारा 8 है तो ये पावर को एक साथ कर लिया डिवाइडेड बाई नाइन तो तुम्हारा डेफिनेटली आना चाहिए फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव अच्छा इसको सॉल्व करते हैं टेन टू दावर माइनस थ्री माइनस फोर माइनस नाइन प्लस एट तो ये तुम्हारा 10 to the power minus 8 मतलब ये ये पूरा तुम्हारा इतना वैल्यू है इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल के बाद आएगा पावर so okay, दूसरी बात क्या होना चाहिए इसका नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है नीचे वाला भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, को इजी है बहुत हार्ड नहीं है बिल्कुल इजी है कैलकुलन्स पार्ट में तुम्हें ध्यान से करना है बहुत इजीली कर लोगे तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो और इस चैप्टर को हम आगे ले जाएंगे गॉड ब्लेस यू टेक केयर चिल्ड्रेन